Guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं एंड क्या आने वाला है जल्द से जल्द, सूनर देन एक्सपेक्टेड। सो जितना भी आपने अपेक्षा किया था उससे पहले ही आ जाएगा एंड डेफिनेटली मोर देन एक्सपेक्टेड। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshna1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देख लेते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है, कौन आ सकते हैं। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ऑल्टरनेट डे में ही ड्राॅइंग्स में करती हूँ स्केच। ये है मैजिशियन हैट, ये है फेदर, ये है बुक और ये है इंक पॉट। सो मैजिशियन कौन है, जिनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो ऑफ कोर्स कुछ क्रिएशन से अजीब सी चीज़ें कर सकते हैं, राइट? बहुत ही मैजिकल। सो आपकी ज़िंदगी में भी ये ब्लेसिंग्स रहे कि आप भी बहुत ज़्यादा मैजिकल सरप्राइजेस दे लोगों को एंड डेफिनेटली आपका भी जीत हो, आपकी सारे मनोकामना पूरा हो। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या ऑफ कोर्स आने वाले हैं और कौन आने वाला है। आई डू फाइंड लाइक किसी के साथ एक जॉइंट वेंचर आपका हो सकता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि अपना टैलेंट जो है, खुद के जो टैलेंट्स है और उस इंसान के जो टैलेंट है, अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें तो बहुत बड़ा, ठीक है, सफलता ऑफ कोर्स मिलेगा। हो सकता है बिकॉज ऑफ जॉइंट कोलैबोरेशन, या हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में रहो, आपको पता है कि ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है। मे बी ये इंसान आपसे सीनियर भी हो सकते हैं या जूनियर भी हो सकते हैं। दे कैन बी सीनियर, दे कैन बी जूनियर, बट व्हाट ऑफ कोर्स आई कैन फाइंड कि शायद आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ वो कोलैबोरेट कर ले एंड डेफिनेटली। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपसे कुछ कहेंगे एंड देन द पार्टनरशिप विल बी डन। यहाँ पे मुझे एक यूट्रस का शेप दिखाई दे रहा है। यूट्रस का शेप दिखाई देने का मतलब यही है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ठीक है, जहाँ से बच्चा जो है वो जन्मता है, ठीक है, बच्चा जो है वहाँ से जन्म लेता है। तो कहीं ना कहीं पर मुझे दिख रहा है प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी इज कमिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की गुड न्यूज़ हो इन द फॉर्म ऑफ अराइवल ऑफ बेबी, बट ऐसा नहीं है। बट अ न्यू आइडिया इज बीइंग लॉन्च्ड और न्यू आइडियाज ऐसे हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा यूनिक है कि लोगों को बहुत पसंद आए एंड डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट इट, ओके। और भी मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे एक नल, यहाँ से बहता हुआ पानी। सो गो विद द फ्लो, यूनिवर्स आपको यही इशारा कर रहे हैं कि जैसे भी है उसको वैसे ही रखने की कोशिश करो, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना उस चीज़ को। जितना सिंपल रखने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। सो बेसिकली आई कैन सी लॉट ऑफ शेप्स राइट नाउ। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे मॉडल्स लोग गो को ये लिए जो फैशन एक्सपर्ट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक स्टैचू जैसे बना देते हैं और उसके ऊपर ट्राई करते हैं डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आर्टिस्ट, फैशन ब्लॉगर हो सकते हैं आप, या फैशन डिज़ाइनर है जो अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करते हैं, या आपकी शॉप है जहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े अवेलेबल है और आप उसको ऑनलाइन में सेल करते हैं। मे बी इट्स लाइक दैट, आई डोंट नो। और वो सेल्स का जो फिगर है वो काफ़ी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। सो मुझे देखो, अगर हम इस तरह से देखें, वो हाफ वाला मॉडल वाला स्टैचू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मे बी यू आर स्केच आर्टिस्ट और यू आर अ पेंटर और यू कैन मेक आइडल्स, आप मूर्ति बना सकते हैं उस तरह से। सो वहाँ पे आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज यू कैन क्रिएट यूनिक थिंग्स। आजकल के समय पर बहुत ज़्यादा वैक्स की स्टैचू बहुत ज़्यादा फेमस है, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप बना रहे हो।
एक इनविटेशन आपको हो सकता है दूर से आए, और उस जगह पे आप जब जाओगे तो देखोगे आप ही के प्रोफेशंस जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट वहाँ पे होंगे या आप ही के जैसे होंगे, तो उनके साथ आपका डिस्कशन जारी रहेगा। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है डिस्कशंस जारी तो रहेगा, और उसी के साथ साथ क्या होगा ना कि उनके भी आइडियाज़ आपके आइडियाज़ दोनों मिला के आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, और आपको पता चलेगा कि कोई भी डिफरेंट नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई भी सुपीरियर नहीं है, सबके अंदर वो टैलेंट है, सबके अंदर वो कंपटीशन वाला एक एनर्जी है, सब लोग चाहते हैं ऊपर उठना, सब लोग का कोई दोष नहीं है। इट्स लाइक टेकिंग ओनरशिप ऑफ द सिचुएशन, बट एक हेल्दी कंपटीशन जो होता है वो आप महसूस करो, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के साथ आप मिलना चाहोगे या मिलोगे इन फ्यूचर, आई डू फाइंड लाइक दैट कि दिस मेकर दिस थिंग, आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसा है कि यू विल शेयर देयर आइडियाज़, और वो भी आपके आइडियाज़ लेंगे, एंड डेफिनेटली देयर विल बी द एक्सपर्ट डिसीजन। हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज़ है, ठीक है, जो जो इश्यूज़ शायद शायद ही आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मे बी यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दोज इश्यूज़ बाई योर ओन, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगा, एक्सपर्ट आइडियाज़, एक्सपर्ट जो सजेशंस है हो सकता है वो आपको मिले, उस तरह से मुझे दिख रहा है आते हुए। देखते हैं आपकी लव रोमांस रिलेशनशिप के बारे में क्या होता है। सो लेट मी सी, लेट मी फील अबाउट। एक समथिंग इज स्टॉपिंग यू, जैसे ना है ना आपको, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह सुबह अगर आप उठते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी पत्ते हैं उसके अंदर ना उसके ऊपर पानी का जो ड्रॉप्स है, ठीक है, होता है, तो वो ना गिर जाता है क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी तो वो ऊपर नहीं रह सकता। सो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो पारमानेंट नहीं है, ठीक है, वो पारमानेंट नहीं है, तो वहाँ से आपको और न्यू डायमेंशंस की तरफ आपको जाना पड़ेगा, और भी नया खोज आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड यू विल ऑल्सो डू दैट, एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ योर लाइफ। जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसके हिसाब से आप चलो, साइकिक इंट्यूशंस आपके अंदर है, आप कुछ चीज़ों में ऐसे इन्वॉल्व है जो उससे भी ज़्यादा आपको जानना है, तो ही जाके वो चीज़ कंप्लीट होगा। आपके पर्सन जिनके मतलब मैंने आपको कहा था कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, दे कैन बी अ वेरी गुड रूलर, दे कैन बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ कि जहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ कि हुकूमत करते हैं, बट उस चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, अच्छा है बोल के लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोफेसर है आपके पर्सन या टीचर है, तो जनरली स्टूडेंट्स बहुत आते हैं उनके पास, क्यों, क्योंकि उनको पता है सबसे ज़्यादा सोल्यूशन आपके पर्सन ही देंगे। उसी तरह से ऑफिस में भी इस तरह से ही है कि जितना आपके पर्सन से ज़्यादा नॉलेजेबल और कोई नहीं होगा, उनकी थर्ड आई चक्रा, उनकी जो दिस वन द क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, दे आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, लाइक आई डू फाइंड, ओके, आई डू फाइंड लाइक कुछ कंफर्टेबल पोजिशन में आप बैठे हुए इस वक्त, या आपके पर्सन हमेशा ही कंफर्टेबल पोजिशन को सिलेक्ट करते हैं, आराम से बैठते हैं, टेंशन कम लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो सॉल्व कर लेंगे वो सारे प्रॉब्लम्स। वो ऐसा आपको भी बोलते होंगे अगर आप उनको जानते हो कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, यू जस्ट वर्क ऑन द थिंग्स। आई डू फाइंड कि कुछ लोग रेसलिंग चैम्पियंस बनना चाहते हो, वॉन्ट टू बिकम, या आपके पर्सन हो सकता है बनना चाहते हैं, मे बी दे आर प्रैक्टिसिंग, लाइक जिस तरह से मैदान होता है ना कुश्ती के मैदान या जंग लड़ने वाला इंसान, दे आर नेवर यू कैन से लाइक फेलियर्स, कभी कभी होता है ऑफ कोर्स होगा ही, बट वो कभी भी हार मानने वाले इंसान नहीं है, दे नेवर गिव अप,
गिव अप एनर्जी नहीं है, उतना स्ट्रेंथ है उनके पास कि वो सारे चीज़ों को फिर से समेट ले, बट नेवर दे विल गिव अप, नेवर। एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, 8 मुझे ज़्यादा दिख रहा है, 8, 26, 17 अगस्त का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके। इन द फ्यूचर आई कैन सी दैट व्हाट इज कमिंग अप टू यू एज टू बेबीज, बट यस ट्वीन बेबीज, लाइक कोई आपकी ना टांग खींच रहा है। हो सकता है कि कुछ ही समय के अंदर हो सकता है कि आपकी शादी वादी फिक्स हो जाए और फिर लोग आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ाए, आपके ऑफिस वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त लोग। एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन जो है ना वो आप अनुभव करेंगे, द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन ऑफ योर लाइफ। ओके ओके, आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड फ्रूट्स। सो जो चीज़ है ऑलरेडी पक गया है आपके अंदर, बहुत कुछ चीज़ है जो ऑलरेडी पक चुका है, कच्चा से पका, तो उसको बाहर लेके आने के लिए ऑलरेडी कुछ चीज़ है जिसमें आप ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, अभी और भी जो चीज़ें हैं उसको ढूंढना है और अंदर की जो एक्सपीरियंस्ड चीज़ें हैं उसको बाहर लेके आओ। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस दैट यू नो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। शायद आपकी लव, आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एक पेशेंस आपको बहुत आगे तक लेके जा रहा है, मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली मेनी पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है, व्हेन यू आर इन गुड वाइब्रेशन ना, उस तरह से। कभी कभी आपको होता है कन्फ्यूजन, ये चीज़ वो चीज़, लेकिन आपके पर्सन को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इनको ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये हाँ तो हाँ इसमें और ना तो ना इसमें। ओके कुछ ऐसे टाइप का कुछ हेयर स्टाइल्स पता नहीं मुझे दिख रहा है, मे बी यू आर गोइंग टू ट्राई सम, कुछ ऐसे पेजेंट्स शो, मे बी सम शोज, ऑडिशंस, या हो सकता है कि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, सेमिनार्स, ठीक है, कन्वेंशंस आप अटेंड करने वाले हैं। हो सकता है कि एक मास्टर मोटिवेशन स्पीकर आए, और डेफिनेटली आप यहाँ पे देखो गणेश जी फिर से आ रहे हैं। सो बुद्धि का जो है देवता माना जाता है उनको, हो सकता है कि कोई जाएगा या जाने की कोशिश करेंगे स्पिरिचुअल प्लेस में, आपके घर के आसपास गणेश जी की मंदिर हो सकती है। जो आपने अपॉर्चुनिटी खो दिया है वो फिर से वापस आ रहा है आपके पास, नाउ इट्स योर टाइम टू मेक इट हैपन। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स से हम देख लेते हैं। सो एंड यूवर्स फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है और कौन आने वाले हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। लेट मी सी, ओके, बेसिकली 10 ऑफ विजडम, दिस इज़ द 10 ऑफ कप्स, सो सेलिब्रेशन, आई टोल्ड यू 10 10 10 आप देखेंगे, 10 01 आप देखेंगे, 10 ऑफ विजडम मतलब यहाँ पे क्या है ना, कप्स की एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा अंदर तक की खुशी, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ, टुगेदरनेस, फैमिली कनेक्शंस, बहुत अच्छा है। 9 ऑफ स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ कैरिश्मा, दिस इज़ अ 6 ऑफ पेंटकल्स, सो इक्वालिटी, बराबर का हक आपको मिलेगा। जहाँ पे आप अनइक्वल रिलेशनशिप्स में थे या अनइक्वल कुछ ऐसे आपकी प्रीवियस जॉब ऐसा था, तो वहाँ से आपकी जर्नी ख़त्म और फिर से एक न्यू जर्नी का शुरुआत। 9 ऑफ वैंड्स, मैंने आपको कहा कि आपके पार्टनर जो है कभी भी हार मानने वाले बिल्कुल नहीं होंगे, दे नेवर क्विट, सो दिस इज़ द 9 ऑफ वैंड्स, नेवर क्विटिंग, जो जो मैंने कहा वही हुआ। एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मैंने कहा एज द मेजर पॉइंट, यहाँ पे मैंने कहा कि आपके पर्सन कभी भी क्विट नहीं करने वाले, सरेंडर नहीं करते, जितना हो सके उतना फाइट करेंगे,
ठीक है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आई डिड टेल यू ऑल्सो कि एक ऐसी कुश्ती वाला कुछ चीज़ है जहाँ पे दोनों की बराबर का हक होगा, और उस चीज़ में एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। सो दिस इज ऑल आई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो कर्कवृश्चिक मीन राशि एरीज लियो सजिटेरियस। कोई साइन अगर नहीं आए कोई बात नहीं, ठीक है। 6, 10 एंड 9, देखो 6, 9 इज इम्पॉर्टेंट, 9, 6 इम्पॉर्टेंट, 10, 10 इम्पॉर्टेंट। सो क्लेम द रीडिंग बाई 69 और 96 और बाई 10, 10। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू लॉट एंड टेक केयर, बाय।